आज प्रदूषण की स्थिति कैसी है? कल रात से ही दिल्ली में बारिश हो रही है, कितना फर्क पड़ा? नहीं, इसका सकारात्मक असर दिख रहा है, और जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो एक गंभीर श्रेणी में जो AQI पहुंचा हुआ था उसमें सुधार दिख रहा है, और हमें उम्मीद है कि इसमें और सुधार होगा। इसके अलावा सर, जो आर्टिफिशियल रेन कराने की बात की जा रही थी, क्या अभी भी सर आप लोग सोच रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए जो है हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने इसको लगाया है, क्योंकि अभी जो रात में बारिश हुई है उसका कितने दिन असर रहेगा अभी ये देखने वाला होगा। तो अगर इसका असर कम होता है तो फिर अगले चरण की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा सर, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है पॉल्यूशन को लेकर, आर्टिफिशियल रेन के अलावा कुछ और भी प्रपोजल आप लोग रखने वाले हैं? नहीं, उसमें हमने दो रखा है। एक तो ऑड इवेंट को लेकर के पिछली सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए थे कि उसकी स्टडी क्या है, इम्पैक्ट क्या है, तो आज हम सर्वोच्च न्यायालय में ऑड इवेंट को लेकर के जो स्टडीज़ की गई हैं वो ऑड इवेंट उसके समक्ष रख रहे हैं कि उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं और उसको करने से किस तरह से प्रदूषण के स्तर में जो है सुधार होता है, किस तरह से जो है कंजेशन कम होता है, किस तरह से राइडरशिप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बढ़ती है। तो ये जो जितनी स्टडीज़ हैं वो स्टडीज़ आज हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। क्या अभी भी लगता है सर ऑड इवेंट की ज़रूरत पड़ेगी अभी जिस तरह से मौसम साफ हुआ है? तब देखिए, बारिश की वजह से अभी मतलब वही मैंने कहा कि इसका कितने देर तक इम्पैक्ट रहता है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऑड इवेंट की तरफ बढ़ेंगे। सर, कल रात को भी आप लोग जो हैं सड़कों पर थे, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से कितनी मदद मिल रही है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने? नहीं, सभी लोगों की, चूँकि ये तो ज्वाइंट टीमें सब जगह काम कर रही हैं, तो कई जगह से ये कंप्लेंट आ रही थी कि जो ट्रकों की एंट्री है उसमें जो है लापरवाही हो रही है रात में, तो इसलिए कल सभी मंत्री जो है अलग अलग बॉर्डर्स पे वो ग्राउंड पे गए थे और जगह जगह उस टीमें जो हैं उनको निरीक्षण किया, कितने ट्रक्स आ रहे हैं, कितनों को वापस किया जा रहा है। कुछ जगहों पे जो मेन एंट्री पॉइंट्स हैं, जैसे मैं गया था सिंघू बॉर्डर के मेन पॉइंट पे तो टीम काफ़ी एक्टिवली काम कर रही थी, लेकिन नरेला और इसमें हरियाणा के जो अंदर के जो बॉर्डर्स हैं जो पतले हैं वहाँ पर थोड़ी निष्क्रियता देखी गई, तो वहाँ पर भी हमने डायरेक्शन दिया है कि वहाँ भी टीम पुटअप किया जाए, क्योंकि जिन ट्रकों को मेन एंट्री से जगह नहीं मिल रही है वो साइड से जो है उसको एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो रात में सभी मंत्रियों के सड़क पे ग्राउंड जीरो पे उतरने का जो पर्पज है कि जो नियम लागू किए जा रहे हैं वो ज़मीन पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हों, जिससे कि जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जा सके।